गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सुब्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज जंगद यादव, योर साइंस सब्जेक्ट टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यू टॉपिक नॉन मेटल। डियर स्टूडेंट, नॉन मेटल शो अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ सम एक्सेप्शन। डिस्कस किया क्या डियर स्टूडेंट हमने क्या आपसे बोला, यही कि जो नॉन मेटल्स होता है वो मेटल के जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल की, वो पूरी की पूरी मेटल्स के अपोजिट होती है, कुछ एक्सेप्शन है उसके। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल आर फाउंड in all state of matter like liquid, solid and gas। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स जो हैं वो मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। चलिए क्वेश्चन भी है आपके लिए, आप राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप हमें बताएंगे कि मेटल्स का क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, मेटल में जो सॉलिड नेचर होता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ऑल मेटल आर सॉलिड नेचर। ठीक है, यानी सभी मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं जो सॉलिड नेचर के नहीं होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, आपका ये क्वेश्चन है। आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप आंसर इसका राइट करेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं नॉन मेटल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, नॉन मेटल आर फाउंड इन आर स्टेट। ठीक है, या फिर हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं नॉन मेटल आर फाउंड इन थ्री स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, जबकि वहां पर सभी के सभी मेटल्स कैसे थे, वो सॉलिड स्टेट में थे। यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पर थ्री स्टेज, यानी कि जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेज में पाया जा रहा है, यानी लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है और गैस नेचर भी है इसका। ठीक है, और साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, बट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं होती। नॉन मेटल्स आर इजिली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन। डियर स्टूडेंट, हमने क्या बोला कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजिली वो गेन करते हैं, और गेन करके वो क्या फॉर्म करते हैं, वो निगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राइट करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो होता है यह इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करता है, गेन करता है और क्या फॉर्म करता है, Cl- माइनस, यानी क्लोरीन, यानी निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन्स, ठीक है, या निगेटिव आयन्स में क्या हो जाते हैं, वो निगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल थ्री स्टेज में फाउंड करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो पूरी की पूरी जो है अपोजिट होती है किसके, मेटल्स के। ठीक है, इसलिए तो इसको नॉन मेटल कह रहे हैं, है ना। नॉन मेटल इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल्स के अपोजिट होती है, विथ सम एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट होती है किसके, नॉन मेटल्स के। ओके, नॉन मेटल तीन स्टेज में होता है। ठीक है, इसके थ्री स्टेट होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, और ये इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, जबकि मेटल क्या रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और क्या फॉर्म करता है, निगेटिव आयन्स को फॉर्म करता है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे ये टॉपिक को, जो नॉन मेटल डिस्कस किए। अब इंपॉर्टेंट नोट्स है डियर स्टूडेंट, ये कि हमारे नेचर में नॉन मेटल कितने हैं। ठीक है, हमारे नेचर में कितने नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे नेचर में जो नॉन मेटल्स का जो नंबर है वो कितना है, 22। ठीक है, 22 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन आवर नेचर।
22 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट आवर नेचर। ठीक है, अभी तक हमें 22 जो है नॉन मेटल हमने फाउंड किया है, जिसमें से 10 जो हैं, इसमें से जो 10 है वो किस नेचर के होते हैं, 10 इसमें सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, 10 इसमें किस नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। बाकी एक जो है वो कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो किस नेचर का होता है, ये लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, लिक्विड नेचर का होता है। बाकी जो रिमेनिंग 11 बचे ये किस नेचर के होते हैं, ये गैस नेचर के होते हैं। ठीक है, फिर से फोकस करिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे नेचर में अभी तक जो हमें पता है वो कितने नॉन मेटल पता है हमको 22। ठीक है, 22 नॉन मेटल्स हमें पता है, जिसमें से 10 ऐसे हैं जो सॉलिड नेचर के हैं, एक एक्सेप्शन है कौन, ब्रोमीन, ये लिक्विड नेचर के होते हैं, और बाकी रिमेनिंग 11 जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, गैस नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये सभी नेचर इनका एट द रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर पर 10 कैसे होते हैं, ये 10 सॉलिड नेचर के हैं, एक लिक्विड नेचर का है, और 11 कितने कौन से नेचर के हैं, गैस नेचर के हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं और फिर से अपनी नई टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के, कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और आपको हम ये बता दें कि आप सभी के सभी चैप्टर रिवाइज करते रहिए, अपकमिंग सैटरडे को जो है आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या बोला कि आपका चैप्टर नंबर 3 का अपकमिंग सैटरडे को क्या है, टेस्ट है। तो फोकस के साथ आप अपने नोट्स को, अपने एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करिए। ठीक है, थॉरली रिवाइज करिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने क्वेश्चन दिया, आपको ऑप्शन दिया, आप गूगल करके उसका आंसर दें। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा करते हैं और ऐसा करने पर पता भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारा प्रीवियस टेस्ट था उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट वो जो चार ऑप्शन दिए गए थे उन चार ऑप्शन में से भी अदर ऑप्शन अपने से राइट किए थे। ठीक है, आई नो कि वो ऑप्शन जो थे आपके वो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सही भी लिया था, बट उससे सही आपके वो उसको सर्च करने के बजाय अगर आप उन चार ऑप्शन में उसका आंसर ढूंढते तो इजीली आपको मिल जाता। इससे ये पता चल गया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो गूगल की हेल्प से टेस्ट को जो टेस्ट होता है उसके आंसर को देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बैड हैबिट है आपकी, और हमने पहले ही बोला है कि अगर आप क्लासरूम में होंगे और उस समय टेस्ट होगा तो ना तो आपके पास गूगल होगा और ना ही आपके पास बुक होंगी। ठीक है, या ना ही आपके पास नोट्स कॉपी होंगी। तो इसलिए फ्यूचर के लिए आप रेडी रहिए, और साथ में आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको एग्जाम जो टेस्ट होते हैं उसको देने चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो आपके साइंस के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको टेस्ट जो है ऑनेस्टी के साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर तो देख ही नहीं, कोई तो देख नहीं रहा है, नोट्स कॉपी उठा लेते हैं, उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लेंगे वहां पर। तो ऐसे मार्क्स किसी काम के नहीं हैं। और अपकमिंग सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें टाइमिंग भी होगी, ठीक है, वो जैसे ही टेस्ट आप लिंक पर टैप करेंगे वैसे ही टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लिमिट होगा टाइम का, और उस लिमिट बाद वो टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, चाहे वो उसमें से आपके क्वेश्चन एक हुए हों, दो हुए हों, या फिर क्वेश्चन आप कंप्लीट ही नहीं किए हों, अगर आप टैप कर दिए तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और टाइम लिमिट के बाद जैसे ही आपका टाइम लिमिट क्रॉस होगा वैसे ही टेस्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी सबमिट हो जाएगा, और आप फिर उसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे थोड़े हद तक जो है गूगल का आप जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा रुकेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि चैप्टर नंबर 3 अभी भी नियर अबाउट 4 to 5 days है, तो आप उसको थॉरली रिवाइज करिए। ठीक है, अपने एनसीईआरटी बुक से, अपने नोट्स कॉपी से, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होते हैं, मैक्सिमम क्यों, ऑल क्वेश्चन जो है आपके बुक्स और नोट्स से होते हैं जिसका आप इजिली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कौन सा है टॉपिक हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है मेटल के टॉपिक में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, लाइक मैलेबिलिटी, डक्टाइल, लस्टर, डेंसिटी, वैसे ही हम नॉन मेटल में भी हम लोग बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि जो नॉन मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, मेटल्स के, और ये कुछ एक्सेप्शन है उसके, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट और फर्स्ट हेडिंग, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमारी फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल स्टेट। वी नो ऑलरेडी, ठीक है, हम ये पहले से जान रहे हैं कि जो नेचर इसका है, नॉन मेटल का जो नेचर है वो कितने नेचर के हैं, ये 3 नेचर के हैं, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल आर फाउंड इन 3 स्टेट, ठीक है। ये कितने स्टेट में है, 3 स्टेट में फाउंड है, ठीक है। और उसमें से हम लिक्विड, सॉलिड, गैस, वो तीनों स्टेट क्या है इसके, लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड, सेकंड कौन है, लिक्विड, एंड थर्ड हमारा गैस है, ठीक है, गैस। तो सॉलिड स्टेट कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, एंड गैस कौन सा है। तो फिजिकल स्टेट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, डियर स्टूडेंट फिर से फोकस करिए, हमने क्या बोला कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कितने स्टेट में फाउंड करते हैं, 3 स्टेट में, कौन कौन सा, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और गैस होता है। तो सॉलिड स्टेट को डिस्कस करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मेटल के नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन है, कार्बन, सल्फर, कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे और हैं, कार्बन सल्फर फास्फोरस, ये सॉलिड नेचर में होते हैं और भी बहुत सारे हैं। लिक्विड नेचर की बात करें तो लिक्विड नेचर में कौन है, केवल एक है, वो कौन है, अभी अभी हमने बताया भी आप लोगों को, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड नेचर में होता है और एक टाइप का क्या है, ये नॉन मेटल्स है। गैस के फॉर्म में हमारे अराउंड बहुत सारी गैस होती हैं, ठीक है, जैसे में हम जो इनहेलिंग करते हैं वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो भी एक टाइप का क्या है, नॉन मेटल है, ठीक, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी के सभी हमने कुछ एग्जाम्पल राइट कर दिए हैं किसके, नॉन मेटल के, ओके। डियर स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं उसको हम राइट कर देते हैं, सम नॉन मेटल आर सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, ड्यू टू स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी ग्रेफाइट और डायमंड जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं, ड्यू टू स्ट्रक्चर। इसके साथ ही और भी कौन कौन है, इसके साथ ही इसमें और कौन कौन है, बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है, बोरॉन एंड सिलिकॉन भी क्या होते हैं, वो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम जो नॉन मेटल होते हैं वो हाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ये कहेंगे हम, एक्सेप्शन में कौन कौन है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ही इस टाइप का होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। और इसके साथ ही बोरॉन एंड सिलिकॉन भी हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट को, ठीक है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन मेटल्स का पहला हम हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे 3 नेचर में होते हैं, ठीक है, इनका नेचर 3 स्टेट होता है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के केस में हमने डिस्कस किया कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो सॉलिड नेचर के होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। और लिक्विड नेचर, लिक्विड में कौन होता है, ब्रोमीन, एट द रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है। एंड गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे नॉन मेटल हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। ओके, हमने ये सभी बातें डिस्कस कर ली हैं और हम
हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बताया कि सब मेटल्स लाइक कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट, बोरॉन एंड सिलिकॉन, जिसमें ग्रेफाइट एंड डायमंड, फिर से फोकस करिए, हमने क्या बोला, ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को इसलिए शो करता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उस तरीके का होता है, ठीक है। और वो किसका बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड में कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, कार्बन मैक्सिमम कार्बन होते हैं, ठीक है, तो कार्बन और डायमंड में, सॉरी, ग्रेफाइट एंड डायमंड में कार्बन होता है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से फाउंड होता है कि वे हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, बोरान एंड सिलिकॉन भी हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, ओके। तो दिस स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं और अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है उस पर मूव ऑन करते हैं, ओके। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, मेलिबिलिटी, ठीक है। मेलिबिलिटी हमने डिस्कस किया है एक बार मेटल्स की कैटेगरी में, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिबल होते हैं, यानी हम जब हैमर का यूज करते हैं, हैमर का यूज करके उसको हम थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया है, अगर आप रिवाइज नहीं किए तो प्लीज अपने नोट्स को देखिए। मेलिबिलिटी में मेटल बहुत ही मेलिबल होता है, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही अच्छे मेलिबल नेचर के होते हैं, है ना, डिस्कस किया था हमने मेटल की कैटेगरी में। बट मेलिबिलिटी अगर नॉन मेटल्स का डिस्कस करें, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, नॉन मेटल की, ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड हेडिंग है ये, ठीक, मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी की बात करते हैं नॉन मेटल में, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉट क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, ये मेलिएबल नहीं होते हैं, और हम इसको इस पर जैसे ही हैमर का यूज करते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है, और ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। कुछ एग्जांपल राइट करेंगे मेलिबिलिटी को डिस्कस राइट करते हैं, व्हाट इज मेलिबिलिटी, ठीक है। मेलिबिलिटी, नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल व्हेन यूज हैमर, इट इज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब हम इसमें क्या यूज करते हैं, हैमर का यूज करते हैं, ठीक है, यानी व्हेन यूज हैमर इट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, दे आर ब्रिटल नेचर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल। एग्जांपल राइट करेंगे, एग्जांपल है इसके कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, एंड नहीं आयोडीन क्योंकि बहुत सारे और हैं, ठीक है, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक। ब्रिटल दैट मींस होता है भुरभुरा, ठीक है, मिट्टी जैसी होती है हमारी, साल्ट जो है ना, कैसे होते हैं, भुरभुरा होते हैं ना, हाँ, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। तो मेलिबिलिटी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, ये सभी के सभी जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, हैमर का यूज करके हम इसको थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम हैमर यूज करते हैं तो नॉन मेटल जो होता है वो स्मॉल पीस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर वो किस नेचर के होते हैं, कि ये ब्रिटल नेचर के हो जाते हैं, ठीक है, या तो ब्रेक करने से पहले वो ब्रिटल नेचर के हों या फिर ऑलरेडी वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने राइट किए हैं, कार्बन और कौन है, सल्फर है, आयोडीन है, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कौन है, वो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को डिस्कस करें, ये भी क्या है, एकदम अपोजिट है किसके, मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, आर नॉन डक्टाइल कैन नॉट ड्रॉन इन वायर। डियर स्टूडेंट,
हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल होते हैं वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए तो हम अपने इलेक्ट्रिक वायर में आप देखेंगे उसमें कॉपर होता है, आयरन का वायर होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं डक्टाइल नेचर का होता है, मतलब वो खींच जाता है, उसको खींच सकते हैं, वो मेटल की ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेटल जो हमारा है वो खींच, फिर से हमने फिर से डिस्कस किया, फिर से ध्यान से सुनिए कि जो मेटल होते हैं हमारे वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, डक्टाइल नेचर दैट मीन्स उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने हम लोग सभी जानते हैं जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें जो मेटल्स के वायर होते हैं, जैसे वो कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, वो किस में कन्वर्ट हुआ होता है, वो वायर में उसको हम कन्वर्ट किए होते हैं, बट नॉन मेटल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर से फोकस करिए, हमने राइट भी किया है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कैन नॉट ड्रॉन, ठीक है, कैन नॉट ड्रॉन इन वायर, ठीक है, इसको हम वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते, यानी इसको हम वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने मेटल की कैटेगरी में क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, उसमें मतलब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक के और हीट के। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं कौन, मेटल्स। बट ये अपोजिट होता है बिल्कुल, नॉन मेटल जो होता है ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, हीट ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है किसका, ग्रेफाइट किस क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ग्रेफाइट हम सभी लोग देखे हैं, कहां देखे हैं, पेंसिल यूज करते हैं ना हम सभी लोग, पेंसिल में आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का होता है उसमें जिससे हम राइट करते हैं वही ग्रेफाइट होता है, और उसको गलती से कभी भी आप जहां पर लाइट है उसमें आप उसमें उसको उससे टच मत कराइएगा, लाइट आपको लग सकती है या लग जाएगी। ठीक है, गलती से भी आप टच मत कराइएगा। ठीक, तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होता है ये, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इसलिए ग्रेफाइट का मैक्सिमम यूज जो होता है, जो हमारी जो सेल होती है एवरीडे का जो पहले सेल आता था उसमें यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का उसमें यूज किया जाता था। ठीक, तो फिर से डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, मैलेबिलिटी को हमने डिस्कस किया, मैलेबिलिटी में हमने बताया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉट मैलेबल होते हैं। ठीक है, हैमर का यूज करने पर थिन सीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, इसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी को डिस्कस किया हमने, जिसमें हमने आपको बताया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस किया है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आलाफी माय डियर स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे उसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करिएगा। थैंक्स।